फैशन समय के साथ हमेशा बदलता रहा है, लेकिन फैशन सभी दशकों में अपना अस्तित्व दिखाया है। आमतौर पर फैशन कितना सरल लगता है, लेकिन फैशन की दुनिया रचनात्मक और उम्मीदों से भरी दुनिया है। फैशन हमें हमारे पहनावे में हमें आत्मविश्वास देता है और साथ ही साथ आरामदायक महसूस दिलाता है। तस्वीरों को ऐतिहासिक संरक्षण का एक साधन माना जाता है, क्योंकि इससे समाज के मूल्य को दर्शाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम टॉप 5 प्रतिष्ठित यानी कि आइकॉनिक फैशन तस्वीरों के बारे में जानते हैं, जो फैशन की दुनिया में क्रांति ला दी है। क्रिएटिव हट चैनल में आपका फिर से स्वागत है, एक ऐसा विशेष मंच जहां आप फोटोग्राफी के बारे में अधिक जान सकते हैं। अतीत की घटनाओं को हमें याद दिलाने में प्रतिष्ठित यानी कि आइकॉनिक छवियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ इस तरह कि जब भी हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं। पिछली शताब्दियों के फैशन फोटोग्राफरों के तस्वीरों ने ये साबित किया है कि फोटोग्राफी क्यों सबसे रचनात्मक कला है। तो चलिए हम फैशन फोटोग्राफी के सबसे प्रसिद्ध और अनोखी तस्वीरों के साथ शुरू करते हैं। पहली तस्वीर है डोविमो विद एलिफेंट्स। इसे रिचर्ड एविडोन ने 1935 में पेरिस में शूट किया था। वह एक अमेरिकी फैशन और पोर्ट्रेट फोटोग्राफर थे। वे अपनी छवियों में भावनाओं और व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए जाने जाते हैं। इस छवि में सौंदर्य और जानवर को एक साथ दर्शाया गया है। इसके अलावा यह चित्र जंजीरों में झुर्रीदार हाथियों के माध्यम से प्रतिबंधित जीवन और उम्र के साथ तनाव को दर्शाता है। अगली छवि है द बबल गर्ल। इस छवि को 1963 में पेरिस में मेलविन सोकोल्सकी ने शूट किया था। वह एक अमेरिकी फोटोग्राफर और फिल्म निर्देशक हैं। उन्हें ब्रह्मपूर्ण फैशन फोटोग्राफी के एक महत्वपूर्ण अग्रणी के रूप में माना जाता है, खासकर उनकी आइकॉनिक बबल सीरीज के लिए। सीन नदी के ऊपर तैरते इस मॉडल की यह तस्वीर उनके रचनात्मक श्रृंखला में से एक है। पेरिस के आसपास के विभिन्न स्थानों में फ्लेक्सी ग्लास बबल एक क्रेन से लटका दिया गया था, और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि इसमें कोई फोटोशॉप शामिल नहीं है। अगली तस्वीर है ली स्मोकिंग। इस प्रतिष्ठित छवि को 1975 में फ्रेंच वोक के लिए हेलमेट न्यूटन ने शूट किया था। वह एक जर्मन ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर थे। उनकी सिग्नेचर स्टाइल बेहद स्टाइलिश ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं, जो ग्लैमर, फैशन, कामुक और बहुत श्रृंगारिक लगती हैं। यह तस्वीर स्त्रीत्व के लिए एक विवादास्पद चित्र बन गया था। यह यस सेंट लॉरेंट पॉप आर्ट टेक्सेडो कलेक्शन का चिन्ह भी बन गया था। अगली तस्वीर है बी। इस छवि को आर्विंग पेन ने 1995 में वो के लिए शूट किया था। वह एक अमेरिकी फोटोग्राफर थे जो अपनी फैशन फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट और स्टिल लाइफ के लिए जाने जाते थे। वे उनकी छवियों में दर्शाए विषयों के ईमानदारी और मानवता के रूप को दर्शाने के लिए जाने जाते हैं। ये शॉट मधुमक्खी के डंक होंठ से जाना जाता है, क्योंकि 90 के दशक में कॉस्मेटिक सर्जरी ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया था। इस तस्वीर को कई बार फिर से बनाया गया था, विशेष रूप से फरवरी 2012 में। अब हम जानते हैं हमारे आखिरी तस्वीर के बारे में, जो है एलिस इन वंडरलैंड। इस अनोखे और खूबसूरत तस्वीर को 2003 में एनी लेबोविट्ज़ ने शूट किया था। यह शूट ग्रेस कॉडिंगटन के सहयोग से किया गया था। एनी लेबोविट्ज़ एक अमेरिकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफर है, और ग्रेस कॉडिंगटन एक पूर्व मॉडल और अमेरिकन वोग मैगजीन की क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। वह अपने बड़े और नाट्य फोटोशूट के लिए जानी जाती हैं। इस छवि को एक अनोखे शूट में से एक माना गया है, क्योंकि एलिस इन वंडरलैंड एलिस की कहानी वोग मैगजीन के माध्यम से बताई गई थी, जिसमें फैशन और कल्पना दोनों को शानदार तरीके से दर्शाने में सफल रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह फैशन फोटोग्राफी की प्रतिष्ठित यात्रा पसंद आया होगा। तो अब आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमें ये बताइए कि यहाँ बताई गई तस्वीरों के अलावा और कौन सी फैशन तस्वीरें इस क्षेत्र में आपकी रुचि बनाती हैं। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना पहले पहुँचे। लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको फोटोग्राफी कोर्स और उसके स्पेशलाइजेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट www.creativehut.org में देख सकते हैं। फोटोग्राफी के आर्टिकल्स, टिप्स, ट्रिक्स
पोर्टफोलियो और भी बहुत कुछ जान सकते हैं आप फोटोग्राफी के बारे में हमारे ब्लॉग www.creativehearts.com में। अगली बार फिर मिलने तक खुश रहे और स्वस्थ रहे। अलविदा।